नमस्कार, आपकी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भंडारे वाले आलू की सब्जी, खट्टी, चटपटी और तीखी, जिसके नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। चलो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 3 उबले आलू लिए हैं, जिन्हें हल्के हाथों से मैश कर लेंगे। ना ज़्यादा बड़ा साइज़ रखेंगे, ना ही ज़्यादा छोटा। प्याज को हमने चॉपर में चॉप नहीं करना है, इसको चाकू की सहायता से बारीक काट लें, क्योंकि कटा हुआ प्याज आलू की सब्जी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। टमाटर को भी बारीक काट लें। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सर जार में या चॉपर की सहायता से भी चॉप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में टमाटर को हमने अच्छी तरह से मैश ही करना है, तो आप चाहे काट लें या चॉप कर लें। थोड़ी लंबी स्लाइस में हरी मिर्च काट लें। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने सरसों का तेल लिया है। अब इसमें खड़े मसाले डालें, जैसे तेज़पत्ता, जीरा, चुटकी भर हींग, बड़ी इलायची, दालचीनी, हरी मिर्च, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। अब हमें अपना प्याज हल्का ब्राउन होने तक पकाएं, 5 मिनट तक छोड़ दें, बीच में लगातार चलाते जाएं। जैसे प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें मसाले डालें, जैसे धनिया पाउडर, काश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला। अच्छे से मिक्स करें और कम से कम 1 मिनट तक लगातार चलाते जाएं। जब अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं तो इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को तब तक पकाएं जब तक यह तेल ना छोड़ दे। टमाटरों को अच्छी तरह से मैश करने के लिए हम चुटकी भर इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें 2 या 3 चम्मच पानी डालेंगे, ताकि यह अच्छी तरह से मैश हो जाए, और कम से कम 5 मिनट तक इसको ढक कर पकाएंगे, ताकि यह अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और बाद में अच्छी तरह से मैश हो जाए। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि टमाटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, इनका बहुत ही अच्छा कलर आया है। कड़छे की सहायता से आप इनको दबा दबा कर अच्छी तरह से बारीक मैश कर लें और इसमें कस्तूरी मेथी डालें। जब तक मसाला तैयार हो रहा है, तब तक हम दूसरी साइड पानी गर्म कर लेते हैं, जो हमने आलू डालने के बाद इसमें ऐड करना है। लगातार कड़छी से मसाले को चलाते जाएं, तब तक हमने पकाना है जब तक यह तेल ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं कि मसाला लगभग पक गया है, तो इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। कम से कम 1 मिनट के लिए अभी दोबारा छोड़ दें। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है और यह अच्छी तरह से पक गया है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। सब्जी तभी टेस्टी बनती है जब मसाला अच्छी तरह से पका हो। अब इसमें उबले हुए आलू डालें और इनको अच्छी तरह से मिलाएं। इनको कम से कम 1 या 2 मिनट तक मिलाएं, ताकि सारे मसाले इसमें ऐड हो जाएं। थोड़ा इसमें आमचूर्न डालें, गर्म पानी डालें और लगातार चलाते हुए कम से कम 5 मिनट के लिए ढककर रख दें। पाँच मिनट के बाद आप देखोगे कि आपकी भंडारे वाली आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गर्म पानी ऐड करने से आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। हमने कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है। हरी धनिया से गार्निश करें। आप देख सकते हैं कि सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आया है, या देखने में भी बहुत टेस्टी लग रही है। इस सब्जी को आप पूड़ी, चावल, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।